क्या आप जानते हैं कि एक गिटार में कितने पार्ट्स होते हैं और उनके क्या नाम होते हैं? अगर नहीं तो हम आपको बताते हैं। एक गिटार का सबसे ऊपरी सिरा उसका हेड कहलाता है। इसके ऊपर लगी घूमने वाली नॉब्स को ट्यूनिंग कीज कहते हैं। ये गिटार में लगी तारों को किसी भी सुर तक ले जा सकती हैं। इस पार्ट को नट, ओपन फ्रेट या जीरो फ्रेट कहते हैं। एक गिटार में लगे लकड़ी के इस लंबे टुकड़े को गिटार की नेक कहते हैं। इसके ऊपर लगे लोहे के विभाजनों को फ्रेट कहते हैं। ये गिटार पर अलग अलग सुर बजाने के काम आता है। दो फ्रेट्स के बीच वाले लकड़ी के टुकड़े को फिंगरबोर्ड कहते हैं। कुछ फिंगरबोर्ड पर बने बिंदु जैसे निशानों को पोजीशन मार्कर्स कहते हैं। ये गिटार बजाने वाले को सही सुर याद रखने में मदद करता है। गिटार का सबसे बड़ा हिस्सा उसकी बॉडी कहलाता है। बॉडी पर लगे स्टिकर को पिक गार्ड कहते हैं। ये गिटार बजाते वक्त बॉडी पर निशान पड़ने से बचाता है। गिटार में बने छेद को साउंड होल कहते हैं। ये इलेक्ट्रिक गिटार में नहीं होता। इस ही की मदद से गिटार बजाने पर आवाज आती है। नट के विपरीत बॉडी पर बने इस पार्ट को सैडल कहते हैं। ये गिटार के ब्रिज के ऊपर लगता है। इसकी मदद से गिटार की तारें कसी जाती हैं। गिटार बजाने के लिए पिक या प्लेक्ट्रम का उपयोग होता है। एक स्टैंडर्ड गिटार में 6 तारें या स्ट्रिंग्स होती हैं। पहली स्ट्रिंग सबसे पतली और 6ठी स्ट्रिंग सबसे मोटी होती है। इनकी स्टैंडर्ड ट्यूनिंग EADGBE मानी जाती है। ऐसे ही दिलचस्प चीजों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से।